आज जो देखेंगे हम लोग डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो एक बीच में लाइन दे दीजिए, साइड लिखते हैं फिजिकल चेंज और इस साइड लिखेंगे केमिकल चेंज। तो फर्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे फिजिकल चेंज में कि फिजिकल चेंज होता क्या है, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी एक ऐसा चेंज जो कि जिस चेंज के बारे में क्या हो, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस हो जाए तो वह फिजिकल चेंज कहलाएगा। ऐसा चेंज जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस हो वो फिजिकल चेंज हो जाएगा। तो अब फिजिकल चेंज बीइंग अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस सच एज फिजिकल स्टेट शेप साइज एक्सेट्रा। और केमिकल चेंज में क्या हो जाएगा जी, वह केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताएगा। अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो ये दैट मीन्स केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में ही वह डिस्कस होगा, यानी कि केमिकल चेंज बींग्स अबाउट केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस यानी कि कह सकते हैं कि केमिकल चेंज हो रहा है तो किसके बारे में डिस्कस होगा, केमिकल प्रॉपर्टी में। फिजिकल चेंज हो रहा है किसके बारे में डिस्कस होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी में। तो सेकेंड नंबर जो है हम लोग देखने वाले हैं कि यह याद रखिएगा कि इसमें कोई भी प्रकार का जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है नहीं होता है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। लेकिन इसमें क्या होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड कहने का मतलब इन द सेंस ऑफ इमिटेशन या एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसमें no new substance is formed जबकि इसमें क्या होता है, new substance is formed इसमें नया सब्सटेंस क्या होता है, बनता है। इसमें नया सब्सटेंस आपका नहीं बनता है, ठीक है। इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि यह जो है फिजिकल चेंज जो होता है वह टेम्पररी होता है, लेकिन केमिकल चेंज क्या होता है, परमानेंटली हो जाता है, ठीक है। तो फिजिकल चेंज is temporary
कैन सॉरी ठीक है थर्ड नंबर केमिकल चेन इज आर परमानेंट ठीक है। अब देखो चूंकि यहाँ फिजिकल चेन जो है टेम्पररी है इसलिए हम लोग कह सकते हैं यह इजिली रिवर्सिबल होगा ठीक है। सो इट इज रिवर्सिबल इजिली बट यह जो है आपका इजिली रिवर्सिबल नहीं होगा। इट इज या दे आर नॉट इजिली रिवर्सिबल ठीक है। फिर एक और चीज इसमें देखेंगे कि यहाँ पे याद रखिएगा कि यह इस चेन में कंपोजिशन में कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। जैसे सेलुलोज C6H12O6 अगर कुर्सी में है ठीक है, तो लकड़ी में भी वही है। जो लकड़ी से कुर्सी बना है दोनों का सेलुलोज का जो कंपोजिशन है उसमें चेंजिंग नहीं होता, जबकि इसमें क्या होता है हो जाता है, कंपोजिशन ही चेंज हो जाता है ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं देयर इज नो चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन देयर इज नो चेंज इन कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कंपोजिशन में चेंजिंग हो रहा है। 1, 2, 3 या 4 था देयर इज अ चेंज इन कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं फिजिकल चेन और केमिकल चेन में यह सारा क्या है अंतर है, इसी अंतर की वजह से दोनों चेन अलग अलग चेंज होता है। सॉल्यूशन याद रखिएगा एक होमोजेनियस मिक्सचर है ठीक है। तो सॉल्यूशन अ होमोजेनियस मिक्सचर इज सेट टू बी आपका सॉल्यूशन, वह सॉल्यूशन कहलाएगा। तो कब कहलाएगा सॉल्यूशन, जिसमें टू और मोर देन टू क्या केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस जो होता है वह मिक्स टूगेदर, जो कि मिक्स हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं सॉल्यूशन बोलते हैं ठीक है। तो होमोजेनियस मिक्सचर इज सेड टू बी सॉल्यूशन, वह क्या कहलाएगा सॉल्यूशन आपका कहलाएगा, इन विच टू और मोर देन टू केमिकली नॉन रिएक्टिंग non-reacting substances whose composition can be varied
whose composition can be varied within limits क्या कह रहा है देखिएगा एक होमोजेनियस मिक्सचर जो कि कहलाएगा सॉल्यूशन कहलाएगा इन विच जिसमें टू और मोर देन टू केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस जिसका कंपोजिशन जो है वह वैरी करेगा विद इन लिमिट से लिमिट के साथ वह वैरी कर सकता है आर मिक्स्ड टुगेदर यानी कि एक दूसरे से वह क्या हो मिक्स कर जाए तो ऐसा आपका होमोजेनियस मिक्सचर क्या कहलाएगा सॉल्यूशन हमेशा याद रखिएगा सॉल्यूशन जो है एक होमोजेनियस मिक्सचर है सॉल्यूशन क्या है एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें क्या होता है दो या दो से ज्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस जो होता है वह एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए जैसे एग्जाम्पल के लिए चीनी और पानी शुगर और वाटर जो मिक्स कर देते हैं वह केमिकली मिक्स नहीं हो रहा है केमिकली जो है वह आपका नहीं हो रहा है वह केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस है दोनों लेकिन मिल गया मिलने के बाद एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट आपका हो जाता है यहाँ एक चीज कि क्यों सॉल्यूशन जो है वह ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है सॉल्यूशन क्यों ऐसा होता है कि वह ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है इसका मेन कारण है कि सॉल्यूशन में जो पार्टिकल जैसे शुगर पार्टिकल है आपका सॉल्ट जो है सॉल्ट वाटर में सॉल्ट है शुगर वाटर में शुगर हो गया एसिड वाटर में एसिड हो गया ठीक है यह जो है वह हम लोग कहते हैं कह सकते हैं कि जब यह मिक्स होता है आपका यानी अगर शुगर वाटर लेते हैं तो शुगर जो है वह मिक्स जो होता है किसमें वाटर में वह डिस्टिंग्विश होता है यानी कि एक अंतराल कह सकते हैं एक दूसरे में समा जाना एक दूसरे में क्या होता है समा जाता है यानी कि पानी और वाटर में देखते हैं यह मेनली याद रखिएगा कि पानी का जो मोलिकुल्स है दो मोलिकुल्स के बीच में एक गैप होता है उसी गैप में शुगर पार्टिकल क्या होता है इन कर जाता है जैसे यह इस गैप में क्या चला कहां कौन चला जाएगा शुगर चला जाएगा ठीक है यह क्या है वाटर मोलिकुल्स है इसी तरह से आपका कोई भी सॉल्यूशन तैयार होता है ठीक है अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वह जो दो यानी कि सेम कह सकते हैं ए और बी मिलके आपका बन रहा है ए बी सॉल्यूशन ठीक है ए बी सॉल्यूशन बना यानी कि वाटर और शुगर तो वाटर दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर शुगर का प्लेसमेंट अच्छे तरह से हो जाए यानी कि वह सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन कहलाएगा अगर यह अच्छे तरह से नहीं होता है तो वह सॉल्यूशन होगा ही नहीं जैसे एग्जांपल के लिए चावल और आपका ले लो कंकड़ तो चावल के दो दाने के बीच में कंकड़ आ जाता है वह छिटक जाता है इधर उधर एक फोर्स के तहत बंधा हुआ नहीं रहता है ठीक है आराम से हम लोग निकाल सकते हैं इजी वे में वह या इस तरह से चावल फेंक दो कंकर उल्टे कहीं और फेंका जाएगा तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वह कंकर का प्लेसमेंट जो है नहीं हो पाता है लेकिन पानी के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आप शुगर ले सकते हो जैसे उसको हम लोग जब घोल दिए थोड़ा सा ले लो थोड़ा सा फेंक के देखो अलग अलग नहीं होगा होगा कभी नहीं होगा अलग अलग तो इस तरह से यह आपका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया और इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है वह ट्रू सॉल्यूशन आपका कहलाएगा चलिए एक टॉपिक लिख लीजिए कि व्हाई इज अ सॉल्यूशन कॉल्ड अ ट्रू सॉल्यूशन व्हाई इज अ सॉल्यूशन
called a true solution. तो इसका जो आंसर होगा आपका कि द सॉल्यूशन ऑफ सुगर कॉमन सॉल्ट एसिटिक एसिड एक्सेट्रा इसमें इन वाटर क्या है आर कॉल्ड अ ट्रू सॉल्यूशन कहे के लिए तो बिकॉज दिस सॉल्यूशन बिकॉज इन दिस सॉल्यूशन द पार्टिकल्स किसका पार्टिकल्स शुगर का सॉल्ट का एसिटिक एसिड का तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे शुगर सॉल्ट अगर सॉल्ट वाटर है तो सॉल्ट का शुगर वाटर है तो शुगर का एसिटिक एसिड वाटर है तो एसिटिक एसिड का एसिड एक्सेट्रा ठीक है इसका जो पार्टिकल्स है आपका आर सो थ्रॉली थ्रॉली मिक्स्ड विथ वाटर that we cannot distinguish one from the other. मैंने क्या बोला कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वह क्या प्लेस हो जाता है जब वह दो मॉलिक्यूल्स के बीच में प्लेस हो जाएगा तो दोनों में कोई अंतर रह जाएगा कोई अंतर नहीं रह जाएगा जैसे चावल और कंकल का हम लोग एग्जाम्पल लिए तो उसमें क्या होता है अंतर हो जाता है वह जो प्लेस नहीं हो पाता इसलिए हम लोग को दिखाई पड़ जाता है चावल अलग है कंकर अलग है लेकिन चीनी पानी को जैसे ही घोलेंगे तो चीनी का जो भी पार्टिकल है वह पानी में इस तरह से मिक्स होगा कि वह उस दोनों में कोई अंतर ही पता नहीं चलेगा यानी वहां पे होता क्या है वाटर के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है जो स्पेस होता है उसी स्पेस में आपका प्लेस हो जाता है कौन शुगर प्लेस हो जाता है जिसके कारण हम लोग को उस वह चीनी पानी के सॉल्यूशन में चीनी और पानी में कोई अंतर पता ही नहीं चलता है तो इस तरह का अगर कोई सॉल्यूशन होता है तो वह कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा ट्रू सॉल्यूशन कहलाएगा ट्रू सॉल्यूशन का कारण क्या है बनने का कारण यही है कि एक पार्टिकल जो है अगर वाटर के साथ मिक्स होता है तो उस दोनों में कोई तरह का अंतर नहीं होता है अब जो हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन का टाइप उससे भी पहले हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन में होता क्या क्या है एक याद रखिएगा एक सॉल्वेंट होता है एक सॉल्यूट होता है ठीक है यानी पार्ट ऑफ सॉल्यूशन हम लोग पहले देख लेंगे पार्ट ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या चीज है तो फर्स्ट जो देखेंगे यहाँ पे पार्ट ऑफ सॉल्यूशन या how to make solution यहां पे याद रखिएगा कि पार्ट ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे सॉल्यूशन का क्या क्या पार्ट है एक या हाउ टू मेक सॉल्यूशन याद रखिएगा सॉल्यूशन जो है वह दो चीज से बना हुआ होता है दो थिंग्स से पहला थिंग्स क्या है सॉल्यूट और दूसरा थिंग्स क्या है सॉल्वेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब दोनों मिलता है तो वह सॉल्यूशन
बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि देयर आर टू पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट नंबर सॉल्यूट एंड सेकेंड नंबर सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट किसको बोलते हैं कि एक ऐसा पार्टिकल जो सॉल्यूशन में क्या हो, वह सॉल्युबल हो, जो क्या हो, सॉल्युबल हो, जो घुल जाता है। ठीक है, उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, जो वह घुला लेता है अपने में, क्या कर लेता है, घुला लेता है, उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। तो फर्स्ट नंबर हम लोग सॉल्यूट देखते हैं, सॉल्यूट क्या होता है। ठीक है, पार्टिकल, अ पार्टिकल विच इज सॉल्युबल, सॉल्युबल इज कॉल्ड सॉल्यूट। एग्जाम्पल में सुगर इज सॉल्यूट इन सुगर वाटर सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन। सॉल्ट इज सॉल्यूट इन सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, फिर एसिटिक एसिड इज अ सॉल्यूट इन एसिड वाटर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो घुलता है, सुगर ही घुल रहा है, सॉल्ट ही घुल रहा है, एसिटिक एसिड ही घुल रहा है, तो यह तीनों जो है आपका क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। ठीक है, यानी कि एक ऐसा पार्टिकल जो सॉल्युबल हो, जो क्या हो, सॉल्युबल हो, जो घुलता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। अब सेकेंड नंबर जो है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट किसको बोलते हैं कि एक ऐसा पार्टिकल जो कि घुला ले अपने में, जो सॉल्यूट को वह क्या कर ले, वह घुला ले, सॉल्युबल बना दे, जो किसी को अपने में क्या कर, जो सॉल्युबल पार्ट को अपने में क्या कर ले, वह घुला लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। यानी कि अ पार्टिकल या अ सब्सटेंस विच जो क्या करता है, वह आपका घुलाता हो, तो विच is which one a substance which dissolve the solute is called solvent। जो कि dissolve कर ले solute को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, solvent बोलते हैं। तो example में क्या हो जाएगा, water is a solvent इन इसमें सुगर वाटर और सॉल्ट वाटर। ठीक है, और एसिटिक एसिड वाटर सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में वाटर जो है वह सॉल्वेंट कहलाएगा।
चलो।